वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 8 चैप्टर नंबर 13 विजुलाइजेशन ऑफ सॉलिड्स। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। नाउ चैप्टर नंबर 7 के जस्ट बाद हमने चैप्टर नंबर 13 लिया है, ठीक है, क्योंकि ये इजी भी है और जल्दी कवर भी हो जाएगा। काफी लेंथी हमारा कंटेंट है, उसे हमें जल्दी से कंप्लीट करना है, तो बीच के मैंने कुछ छोड़ दिए हैं टॉपिक्स, वो हम बाद में करेंगे। चैप्टर नंबर 13 जो है वो आपको केवल बुक में करना है। अच्छी खबर है आपके लिए, आपको स्माइल जरूर आई होगी फेस के ऊपर, क्योंकि आपको बुक में ही करना है पेंसिल का यूज करके। ये मैंने पीडीएफ पहले ही कल आपको ग्रुप में सेंड कर दी है, तो आप उसे राइट कर लीजिए। कॉपी में उसे नोट नहीं करना है, सिर्फ आपको टिक लगाना है, आंसर लिखना है, कुछ छोटे से आंसर है। मैं इसका डिस्कशन एक्सप्लेनेशन आज करने वाला हूँ इस वीडियो में। 13 चैप्टर पूरा इसी वीडियो में कंप्लीट हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 13 चैप्टर में क्या करना है और क्या है। तो यहाँ पर मैंने तीन शेप बनाए हैं, कुछ शेप बनाए हैं क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर और कोन। अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं VEF। ये VEF होते क्या है और कैसे निकाले जाते हैं? तो V का मीन्स होता है वर्टेक्स, E का एज और F का मीन्स होता है फेस। अब ये वर्टेक्स, फेस और एज होते क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को जब दो लाइन टच करती है और वो पॉइंट बनाता है, कॉर्नर बनाता है, तो वो वर्टेक्स कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हमारा बोर्ड ही ले लो। बोर्ड जैसे जब ये दो लाइन टच करके यहाँ कॉर्नर पे मिलेगी तो ये बोर्ड का वर्टेक्स हो गया, यानी कि कोना हो गया। तो किसी ऑब्जेक्ट में कितने कॉर्नर होते हैं, कितने पॉइंट होते हैं, वो ही वर्टेक्स कहलाते हैं। तो क्यूबॉइड में वर्टेक्स कितने होते हैं, ठीक है, एजेस कितनी होती है, फेस कितने होते हैं, ये निकालना है। तो सबसे पहले वर्टेक्स देख लेते हैं, कॉर्नर। तो जैसा कि आपको ये क्यूबॉइड बना है, इसके कॉर्नर चेक कर लो, ये 3D शेप नहीं है, तो हम हमारी बुक का यूज कर लेंगे कॉर्नर के लिए। ये बुक भी क्यूबॉइड शेप में है, तो देखिए कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने देखा कि 8 कॉर्नर हुए, तो वर्टेक्स इसके कितने हो गए, 8। नाउ डिस्कस अबाउट एज। व्हाट इज एज? तो जो लाइनें निकलती है पॉइंट से, वर्टेक्स से, दो वर्टेक्स से जो लाइन निकल के जाएगी वो एजेस कहलाएगी, यानी कि जितनी भी लाइनें होती है वो एजेस कहलाती है। तो यही हमारा क्यूबॉइड शेप है, इसमें लाइन चेक कर लेते हैं। आप बुक उठाइए, अपने पास रखिए और चेक करिए मेरे साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो टोटल मुझे 12 लाइंस दिखी। आपको ये लाइन भी लेना है क्योंकि ये भी दो वर्टेक्स से होकर जा रही है, तो यहाँ पर 12 लाइन हो गई, तो एज हो गए हमारे 12। नाउ फेस की बात करते हैं, फेस किसे कहते हैं? तो जो ऑब्जेक्ट आप जितनी टाइप से देख सकते हैं, जहां जहां से देख सकते हैं, वो उसका फेस कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए बुक को आप कहां कहां से देख सकते हैं, तो ये इसका फ्रंट साइड हो गया, आप देख रहे हैं, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 and 6। इस पूरी बुक को, क्यूबॉइड को हम 6 टाइप से देख सकते हैं, 6 से। तो यहां पर फेसेस हो गए 6। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं ये ऑब्जेक्ट लेकर बता रहा हूं। तो सेम जैसे क्यूबॉइड में होते हैं वर्टेक्स, एज, फेस, वैसे ही क्यूब में भी होते हैं वर्टेक्स, एज, फेस, और उतने ही होंगे, ठीक है, क्योंकि क्यूबॉइड और क्यूब में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो सेम वर्टेक्स से मिलकर बना होता है। नाउ नेक्स्ट इज सिलेंडर। आपको सिलेंडर में देखना है और कोन में, क्या आप निकाल सकते हैं? आपको थोड़े समय का टाइम देता हूं, आप सिलेंडर और कोन के वर्टेक्स, एज और फेस लिखिए। देखते हैं कि आपके आंसर राइट है या नहीं। तो यहां पर मैंने वर्टेक्स, एज और फेस लिख दिए हैं। सिलेंडर की बात करें तो उसमें वर्टेक्स 0 होंगे, क्यों? क्योंकि सिलेंडर को जब भी हम देखते हैं तो कॉर्नर तो पॉइंट तो दिखाई नहीं देता, इसीलिए यहां पर 0 लिखा। एज यहां पर दो लाइनें आपको दिख रही है, तो ये हो गई एज। और लास्ट फेस, इसको कितने टाइप से आप देख सकते हो? तो इसको 3 टाइप से देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा जो कि सर्कल में रहता है, नीचे वाला हिस्सा जो कि सर्कल में रहता है, और ये जो हिस्सा है वो कर्व में रहता है, ठीक है। ये कोई एक लाइन नहीं दिखेगी आपको सिलेंडर में, कर्व टाइप दिखेगा, तो उसे भी हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो टोटल 3 टाइप से। सेम कोन की बात करें तो वर्टेक्स 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहा है। एजेस यहाँ पर 1 होगी, ठीक, एजेस यानी कि लाइनें, ठीक, ये भी कर्व के शेप में ही होती है, लाइन आपको केवल यहां मिलेगी,
ठीक, उस कर्व को हम काउंट नहीं करेंगे। फेस यहाँ पर टू होंगे क्योंकि एक नीचे का सर्कल भी देख सकते हैं और एक कर्व देख सकते हैं, तो टोटल हो गए यहाँ पर टू। तो इसी टाइप से वर्टेक्स, एज और फेस हम निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, 2D एंड 3D फेस। जैसा कि आपको प्रोजेक्ट में हमने वर्क दिया है कि आपको एक स्कूल बस हमारी जो है उसको आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है, ठीक है। तो ये 3D शेप से ही मुमकिन है कि जब उसके सभी पार्ट हमें दिखते हैं क्लियर, तो भी हम उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बना सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू कैसे बनता है और कैसे दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू की। जैसा कि यहाँ पर मेरे पास एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसी का मुझे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए कि कैसे बनता है। फ्रंट मैंने यहाँ पर दिया है कि आपको इधर से देखना है, साइड मतलब इधर से देखना है और टॉप मतलब इधर से देखना है। बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है, जो चीज आपको दिख रही है आपको उसे बनाना है। अब वो आप कहाँ से खड़े होकर देख रहे हो ये आप पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू बनाते हैं कि यदि मैं फ्रंट पर खड़े होता हूं तो मुझे क्या दिखता है। तो मैंने जैसे ही मैं फ्रंट पर खड़े हुआ तो मुझे 1, 2, 3 ये तीन बॉक्स दिखाई दिए। और कैसे दिखाई दिए, फ्रंट से मुझे दो बॉक्स नीचे दिखाई दिए इस टाइप से और एक बॉक्स उसके जस्ट ऊपर दिखाई दिया, 1, 2, 3। तो ये फ्रंट हो गया मेरा, ये मैंने डाल दिया फ्रंट व्यू, मुझे इस टाइप से दिखाई दिया। नाउ साइड व्यू, यदि साइड से देखें तो क्या क्या चीजें छुप जाती है और क्या दिखाई देती है। तो जैसे ही मैं साइड में आया तो मुझे पीछे के बॉक्सेस कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुझे केवल ये दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, दो सरफेस, ठीक, एक नीचे है और एक उसके जस्ट ऊपर है। तो यहाँ पर मैंने साइड व्यू बनाया, एक बॉक्स ऊपर बना हुआ है और एक जस्ट उसके ऊपर, ठीक। तो मुझे यहाँ पर साइड व्यू इस टाइप से दिया, तो मेरा साइड व्यू ये हो गया। नाउ बात करते हैं हम टॉप व्यू से। जब मैंने टॉप पर खड़े होकर मैंने देखा, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो तो उसे क्या चीजें दिखाई देगी, उसे नीचे तो नहीं दिखाई देगा लेकिन एक ये सरफेस दिखाई देगी और एक ये वाली नीचे वाली भी दिखाई देगी, राइट। तो एक दो बॉक्स मुझे दिखाई देंगे, पर दोनों बॉक्स ऐसा नहीं कि एक ऊपर दिखाई देगा और एक नीचे, दोनों बॉक्स आपको प्लेन लाइन में दिखाई देंगे। कभी भी आप छत पर जाइए और कोई सी चीज देखिए तो वो आपको प्लेन सरफेस के रूप में दिखाई देगी। तो बॉक्स आपको ऊपर नीचे नहीं बनाना है, प्लेन सरफेस में बनाना है। तो मुझे दो बॉक्स कुछ इस टाइप से दिखाई देंगे, तो टॉप व्यू भी मेरा ये बन गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट डायग्राम में मेरे पास है, मैंने तीन यहाँ पर क्यूब लिए हैं और उसको एक क्यूब जस्ट सेकेंड वाले के जस्ट पीछे लगाया है। तो जब मैं फ्रंट व्यू से इसे देखूंगा तो मुझे पीछे वाला हिस्सा नहीं दिखाई देगा, मुझे ये केवल तीन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर डायग्राम इस साइड से बन जाएगा, राइट, ठीक। तो यहाँ पर हो गया फ्रंट व्यू मेरा, सॉरी इसको थोड़ा अलग टाइप से बनाना चाहिए, स्पेस नहीं है इसलिए मैंने छोटा बना दिया, ठीक। तो फ्रंट व्यू मुझे तीन बॉक्स दिखाई देंगे। नाउ साइड व्यू पे गए तो साइड व्यू पे मुझे केवल वन बॉक्स दिखाई देगा, राइट, या पीछे वाला भी दिखाई देगा, क्या कहते हैं आप, अच्छे से देख लीजिए इसको। पेज नंबर 178 पे है, ठीक, पेज नंबर 178 पे हमें डायग्राम दिया है साइड व्यू, ठीक। साइड पे देखने पर ये किस टाइप से दिखाई देगा, तो साइड पे देखने पर जैसे ही मैंने साइड से चेक किया तो मुझे ये वाला फेस भी दिखाई दे रहा है और उसके जस्ट पीछे वाला भी दिखाई दे रहा है। तो साइड से कुछ ये डायग्राम इस टाइप से दिखाई देगा, राइट, साइड व्यू। नाउ टॉप व्यू की बात करते हैं, टॉप व्यू मतलब ऊपर की साइड से देखने पर, तो 1, 2, 3 और ये 4 सभी हमें दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये तीन बॉक्स तो मुझे दिखाई दे रहे हैं और इसके पीछे एक और दिखाई दे रहा है, तो ये बन गया मेरा टॉप व्यू। तो इस टाइप से आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू आई होप समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको एक रियल ऑब्जेक्ट लेकर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू एक्सप्लेन करता हूं। जैसा कि हमारे पास ये प्लेट दी हुई है साइंस लैब की, ठीक, मान लो आप फ्रंट पे बैठे हुए हैं, यदि मैंने बोला कि इसका फ्रंट व्यू क्या होगा, आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल आप बोलेंगे एक रेक्टेंगुलर प्लेट दिखाई दे रही है जिसके ऊपर लिखा है साइंस लैब, राइट, यही होगा ना फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू आप कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आपको जो दिखाई दे रहा है, मैंने बोला बना तो आपने प्लेट बना दी और यहां पर लिख दिया साइंस
लेग, राइट। तो ये हो गया फ्रंट व्यू। अब साइड व्यू से देखने पे, साइड व्यू में टर्न कर देता हूं, ये हो गया इसका साइड व्यू। अब मैंने आपको बोला क्या दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं, आपको एक लाइन दिखाई दे रही खड़ी, तो आप साइड व्यू में क्या डालेंगे, ये लाइन, राइट। अब टॉप व्यू पे जैसे पूछा ऊपर की साइड, तो मैंने उसको घुमा दिया, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको एक और लाइन दिखाई दे रही है, पर वो लंबी है, ठीक है, इस साइड से। तो ये गई, ये बन गया इसका टॉप व्यू। तो जहां से जो दिखाई देगा उसे आपको बनाना है, ठीक। तो इसी टाइप से आपकी स्कूल बस है, फ्रंट से कैसी दिखाई देती है, साइड से कैसी दिखाई देती है, और टॉप से यदि देखे तो कैसी दिखाई देती है, वही आपको प्रोजेक्ट में बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट है यूलर्स फार्मूला। यूलर्स फार्मूले की हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी जो डायग्राम दिया हुआ है उसका फेस, वर्टेक्स और एजेस निकाल सकते हैं। यदि दो चीज दी हो तो आप थर्ड इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, यूलर्स फार्मूला कहता है कि ए प्लस बी माइनस सी इक्वल होता है टू के। अब इस फार्मूले में आप दो वैल्यू कोई सी भी डालकर तीसरी इजिली निकाल सकते हैं। कैसे, वो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूं। तो यहाँ पर मेरे पास फेस दिया हुआ है 6, वर्टेक्स दिया हुआ है 8 और एज हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करना है, हमें ये फार्मूला लिखना है जैसा यहाँ लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू पुट करना है, 8 की जगह पर 6, v की जगह पर 8 और e नहीं दिया तो एज इट इज लगेंगे हम, 8 और 6 14, e इज इक्वल टू 2। ये e माइनस का है तो उधर ले जाएंगे तो प्लस का e हो जाएगा, और 2 प्लस का है इधर आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। तो हमारा एज कितना निकला, 12। तो जब दो वैल्यू दी हो, तीसरी निकालना हो, तो हम ये फार्मूला लगा के इजीली चाहो तो फेस निकाल सकते हैं, वर्टेक्स या फिर एज निकाल सकते हैं। पेज नंबर 180 पर यूलर्स की एक टेबल दी हुई है जो सॉल्व मैंने की हुई है और आपको पीडीएफ में भी सेंड की हुई है। सेम आपको नेक्स्ट जो दी हुई है टेबल, वो 183 पेज पर दी हुई है, जिसमें अननोन वैल्यू एक्स वाई करके शो किया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में सम अप में आप देख सकते हैं। पेज नंबर 183 पर बुक जैसे ही ओपन करोगे तो आपको एक टेबल दिखेगी, वो यूलर्स से ही होगी, इसी फार्मूले से होगी। आप चाहे तो उसे ट्राई कर सकते हैं, यदि आपको आंसर नहीं मिलता तो आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें, पूछें, या लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आज लास्ट डे है, कल से हमारा हॉलीडे लग रहा है, दशहरे का, दशहरा वेकेशन, सभी को हैप्पी दशहरा, ठीक। अच्छे से प्रिपेयर करिए, आप प्रोजेक्ट बनाइए, फेयर कॉपी कंप्लीट करिए, जो भी प्रॉब्लम आती है हम 5 डेज के बाद आपसे वापस से मिलेंगे और फिर से लाइव क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें आपके जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। हैप्पी दशहरा ऑल ऑफ यू, थैंक यू।